कंस का अंत तो हम दो भाई मिलकर ही करेंगे। पक्का? यही आपका अंतिम निर्णय है? यही मेरा एकमात्र निर्णय है कान। तो ये लीजिए आपकी पोटली। मेरी अर्थात? मैं जानता हूं आप मुझे अकेला कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए पहले आपकी ही पोटली सजा देते हैं। सच कहना? बस आपके साथ उपहास कर रहा था। अब कहना भला अपने दाऊ के बिना कैसे जा सकता है? एक बात कहूं दाऊ? हाँ हाँ कहो कहना। दाऊ हो तो आप जैसे हो, अन्यथा ना हो। जानती हूँ यह जो भी हुआ उससे कृष्ण को बहुत दुख पहुंचा है, किंतु तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं एक विवाहित स्त्री हूं, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। अब मैं केवल राधा नहीं, एक पत्नी हूं, एक बहू हूं, और इस घर के गौरव और गरिमा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि ऐसे में किसी ने मुझे कृष्ण से बात करते हुए देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, किंतु मुझे कृष्ण की बात सुननी ही होगी। कौन सी बात करना चाहता था? अभी अंतिम बार। महाराज, आपके आदेशानुसार समस्त कंस सेना कृष्ण के आगमन की तैयारी में सज कर दी गई है। तो कृष्ण आप तक जीवित नहीं पहुंच पाएगा, और यदि पहुंचा भी तो आपसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा। हमारे जोशियों की गणना के अनुसार आने वाले 11 दिवस किसी भी युद्ध में आपके विजय होने के योग प्रबल हैं। उनका तो यह भी कहना है कि आपको परास्त करना अर्थात असंभव को संभव करना होगा। अक्रूर, ये तो बहुत शुभ समाचार है। वैसे ही राधा का विवाह अयन से होने के बाद वो कृष्ण दुर्बल हो गया है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। अब तो समय भी मेरे पक्ष में है। अक्रूर, मेरा मन अधीर हो रहा है। तब वो कृष्ण यहाँ आए और कब मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका अंत करो, अंत करो उसका। देखो राधा, ये हमारा पहला ब्राह्मण भोज है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आओ। लाओ। बरसाना की सीमा रेखा। एक बार कंस की मृत्यु के मंतव्य से यदि मैंने ये सीमा रेखा पार कर दी तो उसके पश्चात मैं कभी भी वृंदावन बरसाना लौट नहीं पाऊंगा। यही विधि का विधान है। राधा, कृष्ण बरसाना छोड़कर जा रहा है और वो कब वापस आएगा ये माता पिता को भी नहीं पता है। मैं रासवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आओगे एक अंतिम।
के लिए जा रहा है, तो वो यही कहना आया था मेरे पास। राधा तुम ठीक तो हो, क्या हुआ? वो काका उसके हाथ से गलती से छूट गई, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ब्राह्मणों के प्रस्थान का समय हो गया है, तुम और अयन इनका आशीर्वाद ग्रहण करो, जाओ। नहीं नहीं पुत्री, तुम अयन की वामांगी हो, तुम उसके बाई ओर खड़ी हो जाओ। राधा बेटा, तुम भी आशीर्वाद लो, झुको ना।